खराब रास्ते से हम जा रहे थे, तो हमको रोड के दूसरी तरफ एक सज्जन दिख गए, एक व्यक्ति दिख गया। बोले गाड़ी हम लोग लगाते हैं साइड में, तो देखा कि वो कोई पक्षी को सेल कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और पूछते हैं कौन सा पक्षी है, कौन सा चिड़िया है। रोड क्रॉस करते हैं, देख के गाड़ियाँ थोड़ा आ रहा जा रहा है तेजी में, रोड क्रॉस करना थोड़ा सा दिक्कत होता है। अभी गाड़ियाँ खाली हुई तो रोड हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, तो पूछेंगे इनसे और जानेंगे कौन सा मुर्गी है। अच्छा भैया, कौन सा मुर्गी है? मुर्गी मारता नहीं ना। अच्छा देखिए, काफ़ी बड़े साइज का मुर्गी है ये, तो चाइनीज मुर्गी है, टर्की है, टर्की है। अच्छा टर्की, बहुत लोग जानते होंगे और बहुत लोग नहीं जानते होंगे। और ये सब टर्की का बच्चा है ना, किसी का बच्चा ना। क्या रेट में बेच रहे हैं? 200 रुपये में तीन चूजा मिलेगा आप। ये देखिए, एक बच्चे थोड़ा लग रहा भूखे हैं, भूखे हैं तो चोच मार रहे हैं लगातार। ऐसे इनके टोकरी में दाना डाला हुआ है, भाई साहब डाले हैं, बच्चे तो खाएंगे। अगर आपको भी टर्की के बच्चे चाहिए या टर्की खाते हैं आप, खरीद सकते हैं। हम लोग इधर नामकू में ही लगाते हैं कि और कहीं भी लगाते हैं? नहीं, हम सब जगह लगाते हैं। अच्छा अच्छा नामकू बाज़ार या रोड साइड जहाँ भी जगह मिला, ये भाई साहब लगाते हैं। घूम के आया, घूम के आया। 200 रुपये में तीन है, और ज़्यादा लेने पर कुछ कम भी हो जाएगा। मान लीजिए आपको और ज़्यादा लेना है, 5 या 6 बच्चे लेने हैं टर्की के, तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं भाई साहब से। 200 रुपये में तीन बताया इन्होंने, ज़्यादा लेना है तो ये आपको कम भी कर सकते हैं। बहुत सारे चूजे हैं, ये हम आपको देखिए, ये इनका जो घर बना हुआ है ऐसे, ये पिंजड़ा नुमा, इसी में ये बच्चे हैं ताकि भागे नहीं, और ढेर सारे बच्चे हैं। भाई साहब चावल डाल रहे हैं इसमें, है ना। बच्चे ये सब भूखे ज़्यादा रहते होंगे, खाते रहते होंगे कंटिन्यू। और ये रहा बड़ा टर्की, इसकी माँ। अच्छा, एक बार में कितना अंडा ये लोग यदि करती है? ऐसा मशीन से होता है। अच्छा, सारा मशीन से है। हम तो अंडा लेके मशीन से बच्चा निकालता है। अच्छा अच्छा, ये घर में भी अंडा देता है, घर में बच्चा निकालता है। ये खुद आप लोग निकालते हैं मशीन से? पसंद था ऐसे, मैंने इनसे पूछा, इनका मीट इन्होंने खाया है तो मतलब मटन जैसा रहता है, मटन जैसा। और इसका मीट क्या रेट में मिलता है? तो टर्की का मीट अगर आप लेंगे तो 700 रुपये केजी मिलता है। भाई हमने तो अभी तक ट्राई नहीं करा है टर्की का मीट, आपने ट्राई करा हो तो बताइए। ऐसे तो नॉर्मल बहुत कम मिलता है रांची के मार्केट में, तो बहुत कमी देखा है हमने, ठीक है। आप बाहर मिलता होगा तो ये कहना मुश्किल है। काफ़ी बड़े साइज का टर्की है भाई साहब। अभी तो हमारे यहाँ जगह नहीं है, नहीं तो मैं भी ले जाता खरीद के, एक दो पोस के देखता। तो चलिए, अगर आपको टर्की खरीदना हो तो नामकू बाज़ार साइड में आ जाइए। आपको रोड साइड जो है कि आर्मी जो कैंप है ना, वहीं पे खड़े ये भाई साहब आपको बिस्तर भी मिल जाएगा। तो चलिए, वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो। मैंने जिस टर्की वाले के साथ वीडियो बनाया, मुझे ये तो नहीं पता कि वो कहाँ का था, लेकिन उसने पहना था लुंगी। तो लुंगी जो ज़्यादातर बांग्लादेशी लोग हैं, अभी शेख हसीना का जो तख्ता पलट हुआ था वहाँ पे, जो जो लोग कब्जा करके बांग्लादेश के सत्ता पर बैठे थे, तो बहुत बांग्लादेशी अभी झारखंड घुस जाते हैं, कॉमन है चीज़ है। तो मैं सोचा कि ये वाला मीटर कहीं ना उठे कि आप बांग्लादेशी के साथ वीडियो बना रहे, तो ये मैं गारंटी नहीं है कि वही होगा, बट मे भी हो सकता है। जो वेशभूषा था और जो तरीका था, तो बहुत सारे लोग इधर से आते हैं और आपको रांची में रोड साइड में, साइड एरिया में कुछ बेचते दिख जाएंगे, बिजनेस करते आपको दिख जाएंगे। तो भैया, इस सबसे हम लोगों को कोई लेना देना है नहीं, ये बस एक वीडियो था, मोडीप था आपको कुछ दिखाना टर्की के बारे में, क्या रेट है, सेल, बस यही। और इसके अलावा इससे हमारा और कोई लेना देना नहीं।
शहर। चलिए, वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।